Someone has been here. Arty, arty, arty. अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल ये सबका वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू भाई साहब हैवी हैवी वाली वीडियो के अंदर आज के कलचीज आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे हो भाई साहब आज तो हम अपग्रेडेड बंदे हो गए जो भाई साहब उरा परा सारे बंदों को आज हम इस वीडियो में ना घसीट के ले आएंगे इसीलिए मैं कहता हूँ जल्दी से वीडियो पे जैसी आए करो ना वीडियो को कर दिया करो लाइक और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब बाकी चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ यहाँ पर आपके भाई ने वन वन सिक्स थ्री तो ईजिली कर दिया अभी चलते हैं हमारे रिवेंज की तरफ रिवेंज होने लगा भाई साहब अपग्रेडेड स्क्वाड से अभी यहाँ पर ना ये मेरे टीम को करा देते हैं भाई साहब फिस्ट फिस्ट करा दी मेरे टीम को ऐसा हो नहीं सकता कि मैं रिवेंज ना लूँ मेरे जाते जाते ये ना मेरे सारे टीम को जो है ना यहाँ पर मार देते हैं तीन ही बंदे होते हैं ये लोग आपका भाई जाकर इनका रिवेंज लेगा यहाँ पर तो सीन जरा चेक करो Awesome. I need a weapon. आइए ये गाइज इन सबको यहाँ पे मैं नो कर लेता हूँ नोक करने के बाद इन सबको यहाँ पे मैं छुरिया कराता हूँ बिकॉज इन्होंने मेरे टीम को फिस्ट कराई है तो इनको भी छुटियां करानी बनती हैं बाकी इन सबकी यहाँ पर मैं बड़े ही आराम से मजे मजे से लूट करता हूँ क्योंकि लूट की भाई सब जरूरत थी अभी ये वाला वन वसीज देख के ना आप लोग की तबीयत खुश हो जाएगी वन वसीज फोर ऐसा ही होना चाहिए मैं क्यों तो चास आ जाएगी एक पत्थर के जरिए आपके भाई ने ना आप एक पत्थर का कवर लिया और वन वसीज फोर कर दिया इन बंदों पे अभी तो आपका भाई यहाँ पर आता है मैंने कहा एक ही बंदा इजिली मार दूंगा फिर आगे चलेंगे बंदे शे ढूंढने के लिए लेकिन भाई सब पीछे से पड़ रही है आगे से मतलब कहां कहा से पड़ी है कोई समझ नहीं थी आ रही मुझे यहाँ पर मैं जल्दी से पीछे अगर अपनी किट वगैरह लगाता तो इतनी देर में ये पूरा का, पूरा का स्क्वाड पुश कर देता है तो सीन चेक करो यहाँ पर इनके दो बंदे हो जाते हैं नोक तीसरा बंदा थोड़ा सा पीछे होता है मुझे इतनी देर में किट लगाने का मौका मिल जाता है जल्दी से किट लगाते हैं इनका तीसरा बंदा भी आ चुका है इनका तीसरा बंदा भी काफ़ी डैमेज दे जाता है तो फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से किट लगाता हूँ इनका चौथा बंदा भी आ जाता है लेकिन भाई इसी के साथ यहाँ पर ना एक और स्क्वाड का पुश भी आ जाता है तो उनके साथ भी हमारी फाइट होने लगी है लेकिन उससे पहले इनके लास्ट बंदे को ज़रा यस करते हैं अभी यहाँ पर आप लोग गौर करना यहाँ पर ना मैंने चार बंदे नोक किए थे जिनमें से तीन बंदों का किल आता है और एक बंदे का किल जो है ना वो बंदे चोरी कर जाते हैं तो अब कहा भाई उनसे रिवेंज लेगा लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एम जी थ्री वगैरह उठाकर जोन में जाने की तैयारी करता हूँ लेकिन वो बंदे जोन में नहीं थे जाने दे रहे मतलब भाई साहब सप्रेज आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो अच्छा स्क्वाड है तो किसी तरीके से ना यहाँ पर मैं अल्लाह अल्लाह करते जोन में पहुंच जाता हूँ यहाँ पर सामने मुझे इनका एक बंदा नजर आता है तो इसको यहाँ पर मैं नोक करता हूँ नोक करने के बाद अपने टीम को मैं कहता हूँ जल्दी से यहाँ पर ना पुश करते हैं लेकिन भाई साहब उनका एक बंदा मेरे टीम के पास आ जाता है जिसका मुझे साउंड थोड़ा लेट आता है इतनी देर में मेरी टीम भी नोक हो जाती है अपनी टीम को भाई साहब कवर शवर देने के बाद ना मैं इनके लास्ट बंदे की तरफ पुश करता हूँ जिसकी मुझे लोकेशन बिल्कुल भी नहीं थी पता कोई आइडिया शाइडिया नहीं था तो मैं पहले यहाँ पर पुश करने की सोचता हूँ फिर मैंने कहा चलो जाकर अपने टीम को रिवाइव कर लेते हैं लेकिन इतनी देर में इनका चौथा बंदा भी सॉरी तीसरा बंदा भी आ जाता है जो कि अच्छा प्लेयर होता है वो आप लोग खुद ही देखो जरा बॉयज इसी के साथ वन वन सिक्स थ्री इनके ऊपर हमारा कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ चिकन डिनर भी कंप्लीट हो जाता है अभी चलते हैं हमारे अगले स्कॉडाइफ की तरफ यहां पर भाई साहब दो स्कॉर्ड का हैवी तरीन पुश आने लगा है तो भाई मैं कहता हूँ तो बड़ी चस बनने वाली है अभी फिलहाल सामने मेरे दो बंदे होते हैं जिनको मैं नोक करने की ट्राई करता हूँ लेकिन काबू कोई नहीं आता तो जल्दी से यहाँ पर ना इनके मैं दो बंदे कर लेता हूँ नोक एक तो मोली फेंक रहा था बेचारा और दूसरा वैसे ही काबू में आ जाता है तीसरा बंदा जो है ना इस वाल के पीछे होता है चौथा बंदा जो होता है वो उससे भी पीछे वाली वॉल के पीछे होता है खैर यहाँ पर इनके तीन बंदे मैं नोक कर चुका हूँ चौथे बंदे पे जो है ना मैं पुश करने की सोचता हूँ अभी ना यहाँ पर मैं ओपन में आता तो हूँ मैंने कहा इनका चौथा बंदा ओपन में आएगा तो ले लेंगे लेकिन इतनी देर में बाबा जी यहाँ पर बंदे भी लैंड हो जाते हैं तो भाई साहब मेरा वन वो यहाँ पे खराब हो जाता है क्या ही खराब होता है भाई वो बंदे आकर यहाँ पर मेरे सारे के सारे किल चोरी कर लेते हैं नहीं आप लोगों ने नाम चेक कर ही लिया होगा इसको मैंने दो दफा मारा है भाई साहब एक मैच में मारा उससे नेक्स्ट मैच में दोबारा आगे इसको मैंने दोबारा मारा फिर से मेरे हाथों मर गई तो फायदा कोई नहीं है उसका गेम डिलीट करो यार जाओ खैर इन बंदों को तो भाई साहब आपके भाई ने मिस करा देगा कि किल हमारे सारे चोरी हो चुके थे अभी सामने दो ही बंदे बचते हैं जो कि मेरी घर की छत के ऊपर बैठे हुए थे तो मैंने सोचा यार इनको ना यहां पर आकर नोक शोक कर लेते हैं खैर इतनी देर में इनका एक बंदा पीछे भाग जाता है दूसरे बंदे पे मैं कर देता हूँ मोली ये बेचारा पीछे भागने की फिराक में मेरे हाथों से मर जाता है अभी इसको जैसे मैं नो करता हूँ मैंने कहा यार जाके ना सीधा पुश करते हैं लेकिन कभी कभी भाई साहब ये वेब शूटर भी धोखा दे जाता है तो मैं नीचे गिर जाता हूँ लेकिन खैर मैंने वेब शूटर का वेट किया जैसे वेब शूटर बना आपका भाई दोबारा से ऊपर गया यहाँ पर बंदे जो है ना रिवाइव देने की अपने टीम कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने कहा भाई साहब रिवाइव तो मैं होने नहीं दूंगा क्यों क्योंकि भाई इतनी मुश्किल से नो किया और आपने मेरे किल भी चोरी किया तो भाई साहब रिवेंज लेना तो मेरा बनता है खैर यहाँ पर इनका दूसरा बंदा भी काबू आ जाता है लगे हाथ आपके भाई का वन हुआ है आप मुझे बता देना क्योंकि मुझे नहीं पता वन वहाँ पर अभी जो है ना भाई साहब आप लोगों ने एक काम करना है अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लोगों ने कमेंट्स में ना ओके लिखना है ओके क्यों लिखना है क्योंकि मुझे पता चले भाई साहब कितने बंदे हैं जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं अभी तो फुल भी नहीं भाई हाफ भी नहीं हुई लेकिन फिर भी ओके कमेंट लाजमी करना है आप लोगों ने अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये बंदा मुझे मार जाता है अभी इसके साथ ना वन वीज थ्री की मेरी फाइट हो जाती है यहाँ पर अभी ये देखो भाई पर बैठा हुआ है भाई साहब दिमाग तो बहुत है लेकिन इतना भी नहीं है कि आपका भाई पहचान ना पाए आप लोगों को लेस गो का इनको जरा ऐसा करते हैं जल्दी से दो बंदे नोक हो जाते हैं और जिनका तीसरा बंदा होता ना भाई साहब वो पीछे भाग जाता है क्योंकि जोन भी आ चुका था और मुझे भी यहाँ पर जोन के अंदर जाना था खैर मैं भी उनके पीछे पीछे यहाँ पर आ जाता हूँ यह बंदा थोड़ा ज्यादा ही पीछे भाग जाता है आई थिंक लेकिन मेरे पास मोली होती है और मोली की पावर का इस्तेमाल करते करते मैंने कहा उस बंदे को जो है ना ऐसे सिचुएशन में डालते हैं कि वो खुद ही मेरे ऊपर कर दे पुश खैर वो बंदा भी पुश कर देता है अच्छा भला बंदा था यार इसको भी यस करते हैं

इस बंदे को नोक करने के बाद मैं फिनिश करने की सोचता हूँ क्योंकि मेरे पास जो है ना हेल्थ वगैरह कुछ भी नहीं थी खैर ये बंदा ना कवर में जाता है तो मैं समझ जाता हूँ इसके बंदे यहाँ पर होंगे और मैं राइट होता हूँ भाई बाहर से इसका एक बंदा मेरे ऊपर कर रहा होता है पुश। खैर आपका भाई भैया मैं पोजीशन पकड़ कर बैठ जाता है जैसे ही आता है इसको मैं नोक करता हूँ इसको जैसे ही फिनिश करता हूँ इनका एक और बंदा आ जाता है अभी जो भी मेरे पास बैंडेज वगैरह पड़ी हुई थी मैं ना उसका इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरी एच थोड़ी सी ज्यादा ना अप हो जाए ताकि कोई बंदा आए तो उसके साथ मैं फाइट ले सकू इतनी देर में इन दोनों बंदों के यहाँ पे मैं फिनिश वगैरह करा देता हूँ फिनिश कराने के बाद इन सब की मैं यहाँ पर लूट करने की ट्राई करता हूँ अभी जैसे ही लूट करने के लिए आता हूँ इनका जो चौथा बंदा होता है ना भाई साहब वो ऊपर चढ़ा होता है और मेरी एच सारी की सारी खा जाता है खैर किट होती है मेरे पास एक ही उसको लगाने के बाद मैं डायरेक्ट पुश करता हूँ विदाउट एनी भाई साहब मैंने कहा सेकंड भी नहीं रुकना सीधा पुश करते हैं इस बंदे पे बंदे पे पुश करके इसको मार के मैंने इसकी औकात दिखा दी कि भाई तू मेरे लेवल दाद आई शोरिया तू निकल छुट्टी कर चल है अभी चलते है हमारे की तरफ यहाँ पर भाई साहब बैसा थ्री की सिचुएशन होती है मुझे नहीं था पता यहाँ पर चलो लगे हाथी पर नोक करते हैं मुझे एक ही बंदे का साउंड आ रहा था दूसरा बंदा पता नहीं कहा से निकला लेकिन भाई साहब बड़े औखे तरीके से इसको मैं नोक कर लेता अभी यहाँ पर मेरे पास एम जी थ्री में एमओ नहीं था तो मैं यहाँ पर अपनी एम फोर के जरिए ही आगे बढ़ता हूँ मैंने कहा चलो जाकर पुश करते हैं सीधा अभी इनका लास्ट ही बंदा होता है तो पुश करके इसको भी यस करते हैं आई एम एस के ऊपर यहाँ पर ना वन व्री हमारा हो जाता है लेकिन अभी सिर्फ वन वसी स्थ्री ही नहीं हुआ अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं इस मैच के मैं यहाँ पर अपनी लूट शूट कर रहा होता हूँ लूट को देख के खुश खुश हो रहा होता हूँ इतनी देर में मेरे टीम यहाँ पर ना सामने से फायर पड़ते हैं और ये पूरे तीन बंदे आप लोग देख सकते हो तीनों एक तरफ ही नजर करके खड़े हुए हैं मैं इनका एक बंदा नोक करता हूँ एक बंदे को थोड़ा बहुत एक दो बुलेट लगती है इसके बाद रुके बगैर ठुके बगैर चढ़ाई वाला माहौल होता है आपका भाई भी सीधा जाकर इन बंदों पर ग्रनेड करता है मैंने कहा ग्रनेडो की बारिश कर दी जाएगी यार तीन चार ग्रनेड इस्तेमाल कर ले इतनी देर में यहाँ पर एक बोर्ड का किल भी आ जाता है तो लगे हाथ तो बोर्ड का किल भी उठा लेते हैं यहाँ पर अभी मैं समझता हूँ इनके दो बंदे नोक है लेकिन आई एम रॉन्ग क्योंकि इनका दो बंदे जो है वो भाई साहब ताजा दम सिर्फ एक ही बंदा नोक है क्योंकि पहला बंदा जो है रिवाइव हो चुका है अभी जैसे मैं ऊपर जाता हूँ ना यहाँ पर भाई साहब एम पे फोर लगा होता है जिसका मुझे नहीं था आइडिया लेकिन एक बुलेट से यहाँ पर ना इनका दूसरा बंदा भी हो जाता है नोक बाकी इनका आखिरी बंदा बचता है तो मैंने कहा जल्दी से पुश कर लेते हैं आइए बोलिए यहाँ पर हमारा वन वी फिफ्टीन डन हो चुका है और आप लोग किल्स देख सकते हो फिफ्टीन किल्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं बाकी यहाँ पर लूट शूट करते हैं और आगे चलते हैं हमारे यहाँ पर आपको भाई क्रिप्टो बनने की कोशिश था खैर छोड़ो ये तो टिकटो के लिए पार्ट निकाला था तो आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते आप लोग ना प्लेन वालों का नाम देख सकते हो भाई साहब ये काफी अच्छा स्क्वाड होता है ये काफी प्रो प्लेयर्स होते हैं और आप लोग गन्स किल मैसेजेस भी देख सकते हो स्पीड पीडिया पर मैंने ना थोड़ी सी वीडियो की तेज कर दी क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब एक बंदा सामने और दूसरी साइड पे पूरा स्क्वाड होना वो एक बंदे को थोड़ा हल्के में ले जाते हैं लेकिन ये अच्छा स्क्वाड होता है भाई ये हल्के में नहीं थे ले रहे कोई बंदा भी पूछ नहीं था कर रहा मेरे ऊपर हालांकि ये लोग ना ऐसे पासे से आने के मारने की कोशिश कर रहे थे मुझे लेकिन आपका भाई किसी तरीके से बच के अच्छा सा कवर पकड़ लेता है अभी अच्छा सा कवर पकड़ लिया तो इन सब की खैर नहीं है चलो इनको यश करते हैं आइए गाइज इसी के साथ इनके ऊपर आपके भाई का वन वर्सेस थ्री कंप्लीट हो जाता है और लगे हाथ टीम का रेवेंज भी चुके इन्होंने मारा था मैं ना पावर प्लांट के अंदर उतरता हूँ पावर प्लांट में दो चार बंदे होते हैं उनको मारने के बाद ना मैं आता हूँ यहाँ पर अभी ना बोर्ड फायर दे रहे थे ये बंदे और कसम से क्या ही बोट बंदे थे यकीन करो अभी ना ये लोग फुल कैंप करके बैठे हुए हैं यहाँ पर ना ये नहीं है कि भाई एक मिनट या दो मिनट पहले ये लोग आकर बैठे हैं यहाँ पर मैं जब से पावर प्लांट के अंदर उतरा हूँ ना भाई साहब तब से ये लोग यहाँ पर बोर्ड फायर दे रहे हैं और मैंने अपने टीम को बताया भी था कि यार ये रेल बंदे हैं हंड्रेड रेल बंदे हैं क्योंकि बोर्ड फिर करता ही नहीं है खैर लेकिन वो वोमेन थी तो कुछ कह नहीं सकते ब्रो हम लोग अभी यहाँ पर ये लोग मेरे ऊपर भी कर रहे हैं पुश तो जरा चुको जरा सीन ब्रो जो अपग्रेडेड बंदा होता है ना इनका तीसरा बंदा जिसने मेरे टीम को मारा है भाई वल्ला ही क्या बोट बंदा था मैं मतलब नहीं करता ऐसे मतलब लेकिन भाई ये बंदा ना पहले तो भाई साहब इसने कैंप करके मेरे टीम को मारा अभी मैं इसके पीछे पीछे आ रहा हूँ भाई ये बंदा घुमा है मुझे सिर्फ घुमाई जा रहा है घुमाई जा रहा है वल्ला इसने एक बुलेट होती है ना सिंगल बुलेट भी मुझे नहीं मार सका इतना बोट था खैर फाइनली यहां पर आकर ना मैं इस पर ग्रनेड करने की ट्राई करता हूँ लेकिन ये बंदा फिर से नीचे भाग जाता है लेकिन ये ग्रनेड तो भाई साहब बूथे शरीफ में मैं पाड़ता हूँ ये बंदा यहाँ पे नोक हो जाता है फाइनली मेरी जान छुट्टी एस बंदे तो गोल गोल घुमागे सर में मतलब तो चक्कर आने लगे थे मुझे खैर इन सबको यहाँ पे फिनिश वगैरह मैं करा देता हूँ इन सबको फिनिश कराने के बाद चलते हैं हमारे अगले स्कॉट वाइप की तरफ अभी इस फाइट को मैं जरा मिडल से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो ज्यादा लंबी ना आ जाए इन के साथ मेरी कोई ज्यादा खास फाइट भी नहीं थी क्योंकि यार ये लोग ना पूछ ही नहीं थे करा रहे चार बंदे थे फिर भी पूछ नहीं करा रहे थे बस ना एक जगह पे आराम से उनसे बैठे हुए थे तो मैं आपका भाई यहाँ पर ना आराम से कौन से इनका वेट करता है इसी में सामने एक बंदा है जो कि इनसे ना फाइट लेने की ट्राई करता है। लेकिन ये लोग ना उसको सैंडविच करके मार जाते हैं लेकिन आपका भाई सैंडविच होने वाला नहीं था तो मैं यहाँ पर इन बंदों पे कर देता हूँ अभी यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ ना ये लोग मुझे भी सैंडविच करने की ट्राई करते हैं लेकिन आपका भाई किसी तरीके से कवर पकड़ के ना इनको यस करता है तो सीन चेक करो आरसी आरसी करू यहाँ पर मैं चाहता तो फाइट को खत्म कर सकता था लेकिन इनका चौथा बंदा भी आ रहा है तो मैं ना जल्दी से यहाँ पर अपनी मैड किट लगा करना इन सबको फिनिश इन सबको नहीं सिर्फ इस बंदे को फिनिश करता हूँ इतनी देर में इनका चौथा बंदा भी आ जाता है तो जो चौथा प्लेयर था ना यार वो काफी अच्छा गेम खेल रहा था और ना ये यहाँ पर मुझे मार भी जाता है तो भाई साहब अप्रिशिएटेड कोई ऐसा सीन नहीं है वेल डन हो गया जिजी हो गया लेकिन ये बिल्कुल जीरो एच था लेकिन भाई साहब बड़े बड़े शहरों में आपको पता है छोटी छोटी बातें हो जाती है तो आपका भाई इसको दिल पे नहीं लेता ऐसी बातों को यू नो और एचपी आप लोग देख सकते हो भाई साहब कमी थी उस बंदे की अभी यहाँ पर ना अभी चलते हैं हमारे अगले और लास्ट स्कोर की तरफ यहाँ बना ये भाई साहब पूरे चार बंदे होते हैं और ये ना मेरे टीम मेट को इनमें ज़रा चढ़ा चढ़ रहे थे इनसे पूछ रहे थे भाई क्या हाल है आपकी ठीक हो कैसी हैं आप मतलब लड़कियाँ थी तो इस वजह से यू ना आपको पता है फिर लड़कियों की क्या ही वैल्यू है लड़कों को कौन पूछता है ब्रो खैर एक बंदा मैं यहाँ पर इनका मार चुका हूँ दूसरे बंदे को मैं नोक करता हूँ और तीसरे बंदे को जो है ना मेरी टीम मेट नोक कर जाती है बाकी इनका जो चौथा बंदा होता है वो छत के ऊपर बैठा होता है फोर वी ग्रेविटी नाम होता है भाई का या सेवन वी सॉरी सेवन वी क्लैन के बंदे थे अभी ये चेक करो आराम से उनसे पी के लेकर खड़ा है उसको लगता है कि कोई बंदा आएगा और ये मार जाएगा तो आपका भाई यहाँ पर ना एक अकल वाला काम करता है टीमेट को कहता हूँ आप ऊपर चलो मैं आपको कवर देता हूँ कवर कवर खेलते खेलते हम इस बंदे को यहाँ पे लिपटा आ जाएंगे लेकिन उससे पहले आप लोग एक काम कर लो भाई साहब अगर इतनी वीडियो देख ही लिया तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे फर्स्ट टाइम आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी इस बंदे के में मार के वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं अल्लाह हाफिज बाय बाय आई बाई आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा अगर वीडियो में मजा आया हो तो भाई साहब ओके कमेंट लाजमी करना है ठीक है ओके कमेंट लाजमी करना है अल्लाह हाफिज